सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और मैं आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान है, जो चीज़ मौजूद ना हो उस चीज़ के बेचने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया, मेरे पास कुछ लोग आते हैं और उस चीज़ को बेचने के लिए कहते हैं जो मेरे पास नहीं होती, तो क्या मैं उस चीज़ को उनके लिए बाज़ार से ख़रीद कर लाऊँ फिर फ़रोख्त करूँ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसकी बै ना करो। हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुझे उस चीज़ के बेचने से मना फ़रमाया जो मेरे पास ना हो। बहवाला सुनन तिर्मिज़ी 1232। अल्लाह ताला समझने और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। दीन इस्लाम के इस अजीम शान काम को फैलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।